हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो सबसे पहले आप सभी को और हमारी जो अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार है उसके तरफ से आप सभी को दिल से गुड मॉर्निंग। तो मैं कहना चाहूँगा कि अरे हो गई है रन की तैयारी, युद्ध करने की बारी है। अरे हो गई है रन करने की तैयारी और युद्ध करने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। तो आप सभी लोग हमारे साथ रुक्मिणी आपके अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार पर संघर्ष करते रहें, क्योंकि MTS का एडमिट कार्ड आ चुकी है। तो MTS का एडमिट कार्ड आ चुकी है और आप लोग जानते हैं कि इस बार जो है MTS का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो MTS का पैटर्न जो है दो सीशन में, पहले एक ही एग्जाम MTS की होती थी, अब MTS का जो है दो एग्जाम होने वाला है। तो दो एग्जाम सेशन 1 और सेशन 2 करके एग्जाम होने वाला। फर्स्ट सेशन में जो होगी मैथ और रीजनिंग की होगी, उससे रिजल्ट होने वाला नहीं है। उससे जो कितना नंबर लाना है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और जो रिजल्ट होने वाली है, हमारी मेरिट बनने वाली है, वो दूसरा सेशन का जो एग्जाम होगा उसी दिन होगा, क्या इंग्लिश और GK का। तो इंग्लिश और GK, तो GK भी MTS के एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि GK जो है, GK का करेंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें, ऐसा ना हो कि आपको करेंट अफेयर्स छूट जाए। तो हमारे साथ करेंट अफेयर्स को धुआं आप भी उड़ाइए। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है देख लीजिए कि हाल फिलहाल में जनगणना के अनुसार भारत का स्थान क्या है। क्योंकि हाल फिलहाल जो है जनगणना हुई है, और जनगणना जो हुई है भारतीय जनगणना अभी चल ही रही है, भारतीय जनगणना नहीं हुई है, ये पूरे विश्व की जनगणना हुई है। तो पूरे विश्व की जनगणना जो हुई है वो कौन करवाती है? UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड पॉपुलेशन, इसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, नेशन फंड पॉपुलेशन पॉपुलेशन फंड पॉपुलेशन, इसी के द्वारा जो है जनगणना कराई जाती है। तो इस जनगणना के अनुसार हम लोग जानेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत अभी फिलहाल प्रथम नंबर पर आ गया। भारत की जो जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है। जबकि हम बात करते हैं चीन की जो जनसंख्या है घट करके 142.57 करोड़ हो गई है। क्या जी? 57 करोड़ हो गई है। और भारत जो है दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन गया है। और भारत जो है चीन से 29 लाख जनसंख्या आगे है, और 29 लाख जनसंख्या के साथ भारत जो है प्रथम स्थान पर आ चुकी है। और बता देते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है पूरे विश्व का 17.77% सिर्फ भारत के अकेला है। भारत के अकेला जो जनसंख्या है 17.77% है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और जो है दुनिया का नंबर 1, यानी विश्व का जो नंबर 1 जनसंख्या वाला, अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। तो अब भारत की जो जनसंख्या इतनी रफ्तार से बढ़ी है, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले करेंगे कि अब भारत को क्या फायदा इससे होने वाली है, भारत को क्या इससे हानि होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारत की जनसंख्या, भारत की जनगणना, जनगणना यानी कि भारत की जो जनगणना, सबसे पहले की अगर जो बात कर लेते हैं, सबसे पहले भारत की जनगणना कब हुई है बता दीजिए आप लोग। सबसे पहले जो भारत की जनगणना हुई है, सबसे पहले 1872 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1872 ईस्वी में हुई है, लॉर्ड म्यू के शासनकाल में हुई है। उसके बाद यानी कि जनगणना अनियमित रूप से हुई थी, और अनियमित रूप से जनगणना किनके शासनकाल में हुई है? नियमित रूप से जनगणना
नियमित रूप से जनगणना जो हुई है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ देती है कि प्रथम बार जनगणना जो हुई है लॉर्ड म्यू के शासनकाल में हुई है, लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना हुई है वो 1881 ईस्वी में हुई है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आप सोच रहे होंगे कि नियमित रूप से जो जनगणना है वो नियमित रूप से जनगणना क्या, यानी कि जो 10 साल पर जनगणना दिखाई बताई गई है कि 10 साल पर अब जनगणना होगा वह 1881 ईस्वी से ही स्टार्ट हुई है। अभी भारत में टोटल जो जनगणना हुई है 15 जनगणना हो चुकी है। कितना जनगणना? 15 जनगणना हो चुकी है। और 2021 में ही जनगणना 2021 में ही जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना काल के चलते अभी जो जनगणना 2023 में पूर्ण होने वाली है। तो अभी भारत की जो जनगणना है पूरी रूप से पूरा अभी नहीं हुआ, लेकिन विश्व की जनगणना के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। विश्व की जनगणना की अगर जो हम बात करते हैं तो ये तो हम जो जान ही गए हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन चुका है, और चीन जो है दुनिया का नंबर दूसरा स्थान पर जो है चीन है। तो भारत जो है चीन से 29 लाख अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अब भारत में विकास जो है, भारत विकास कैसे करेगा? तो 15 से 60 साल वाले जो युवा हैं यानी कामगार यानी जो काम करने वाले हैं उनकी जो जनसंख्या बढ़ करके हो गई है 64% हो गई है। तो 64% हो गई है यानी कि कामगारों की संख्या अगर जो बढ़ रही है तो भारत की विकास भी अवश्य बढ़ेगी, भारत की विकास भी अवश्य बढ़ेगी। अब सोच रहे हो कि भारत की जनसंख्या जो लगातार इतनी कैसे बढ़ रही है, तो यानी कि इसको एक्यूरेसी अगर जो रेशियो निकालते हैं, औसत निकालते हैं इसको औसत, तो यानी कि दो कपल यानी एक कपल, कपल मतलब एक महिला और पुरुष का, पुरुष पर उनके बच्चे का जो औसत है 2.1 है। आप सोच रहे होंगे कि एक पुरुष और एक स्त्री मिलकर के 2.1 यानी 2.1% जो है बच्चा कैसे जन्म दे सकती है, तो यानी कि 1000 पुरुषों पर 2100 तो हो सकती है, 2100 स्त्री और पुरुष मिला करके उस पर कितना 2.1% तो बच्चा दे 2.1 जो है बच्चा दे सकती है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 2100 है जो 2100 1000 कपल पर 2100 जो है बच्चा जन्म देगी, तो जन्म दे सकती है। तो इसका जो है लगातार अभी जो है जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, यह भी अनुमान हुआ जो अमेरिका का प्यू रिसर्च सेंटर है, क्या चीज? प्यू रिसर्च सेंटर है, इसके अनुसार यह बताया गया है कि यानी 2100 ईस्वी आते आते भारत जो होगा विशाल जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, और भारत की जो जनसंख्या है वो 153 करोड़ हो जाएगी। कितना? 153 करोड़ हो जाएगी। जबकि चीन की जनसंख्या की बात की जाए तो चीन की जनसंख्या मात्र 76 करोड़ बच जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कानून बनाई गई है कि अगर जो आप एक हैं तो एक, आप एक कपल हैं तो एक ही बच्चा जन्म दे सकते हैं, अगर जो उससे अधिक बच्चा अगर जो जन्म देते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, आपको सरकारी नौकरियां नहीं होगी, तरह तरह के थी जो है बाधा डाला गया था, जिसके कारण चीन की जो जनसंख्या है लगातार घटते जा रही है, और 1972 ईस्वी के बाद जो है भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती, क्योंकि उस टाइम जो है शिशु मृत्यु दर अधिक था, यानी कि शिशुओं को जो है मृत्यु ज़्यादा होती थी, जिस कारण से एक कपल जो है यानी स्त्री और पुरुष मिल करके 7-8 यानी एक दर्जन बच्चे को जन्म दे देते थे, ताकि बच्चा जो है अभी जो है कि शिशु मृत्यु दर कम गई है, जिसके कारण है कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, अब क्योंकि शिशु जो है कम मरने लगी। पहले जो होता था कि अगर जो किसी को एक आध दर्जन बाल बच्चा है तो उसमें 2-3 गो मर ही जाता था, इसी सोच के कारण जो है जनसंख्या भारत में तेजी से बढ़ गई। तो भारत की जो जनसंख्या बढ़ी है उससे क्या
उसे क्या फ़ायदा होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। फ़ायदा यह होगा कि भारत की जो इतना बड़ा जनसंख्या है, तो यानी जो मल्टी कंपनियां हैं, दूर दूर से जो विदेश से कंपनियां आते हैं, भारत में कंपनी लगाएगी और कंपनी लगा करके वो कंपनी लगाएगी तो भारत में अधिक रोजगार पैदा होगा, भारत जो है अधिक वस्तुओं को निर्यात करेगा। जिस प्रकार से चीन की जनसंख्या जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी और चीन जो है पूरा दुनिया का दुनिया की अर्थव्यवस्था में नंबर दूसरे पर थे, लेकिन भारत का जो स्थान है अर्थव्यवस्था में, और ये भी याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था में भारत का जो स्थान है, वो पाँचवा नंबर पर भारत है। कैमा नंबर पर है? पाँचवा नंबर पर भारत है। तो भारत की जो जनसंख्या अभी फिलहाल 17.77% है, ये भी आपको याद करनी होगी। और जो है हुआ भी, लेकिन अभी हाल फिलहाल के रिपोर्ट के अनुसार हुआ भी, चीन में भी अब यह छूट दे दिया गया है कि आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ढाई ढाई कितनों बच्चा को जन्म दे सकते हैं, जन्मा सकते हैं। तो जन्माना और मृत्यु दर जो है इस प्रकार से घटते बढ़ती रही है। तो भारत जो है दुनिया का सबसे विशाल संख्या वाला देश बन चुका है। तो सभी को दिल से, हार्दिक दिल से बधाई देते हैं, क्योंकि भारत जो है जनसंख्या में नंबर 1 पर हो गया है। तो अब मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यह जो है भारत के, देखिए जनसंख्या इस प्रकार से कि भारत में जनसंख्या अट नहीं रही। आप लोग जानते हैं कि यानी कि रेलवे जो हमारा लिंक है, रेलवे जो नेटवर्क है हमारी, उस दुनिया का 3रा नंबर पर हमारी रेलवे नेटवर्क है। तब पर भी भारत में है रेलवे में सीट नहीं मिलती है, बस में सीट नहीं मिलती है, पहले बुकिंग कराना पड़ता है 1 महीना में। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है। और देखिए इधर जो है तेजी से भारत की जनसंख्या जो काफी बढ़ रही है। फिर क्या चीज है दूसरा, विश्व का जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो मैं अभी बताया हूं कि विश्व की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है। तो भारत की जो जनसंख्या 17.77% है जो भारत की जनसंख्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है आज 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस जो है कब से शुरू किया गया है? तो 22 अप्रैल 1970 ईस्वी से शुरू किया गया है। और इस बार जो है पृथ्वी दिवस का 53वां साल होने वाला है। 53वां साल पृथ्वी दिवस का पूर चुका है भारत का 53वां साल। और जो है ये पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी फर्टिलाइजेशन है यानी उपज की क्षमता है, पृथ्वी अस्वस्थ हो चुकी है, पृथ्वी उतना स्वस्थ नहीं है जितना कि वो अधिक पैदावार कर सके। तो पृथ्वी जो है अस्वस्थ हो चुकी है, तो यही अस्वस्थता को हम लोग ठीक करने के लिए, पृथ्वी को स्वस्थ बनाने के लिए हम लोग जो है पृथ्वी दिवस मनाते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी जो है स्वस्थ रह पाए। और इस बार को थीम है हर के घर में निवेश हमारी, यानी कि पृथ्वी दिवस पर हर के घर में जो है हमारी धरती माता निवेश करेगी। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि उपज की देवता पृथ्वी को ही माना जाता है। तो जो है इस बार जो है ये 22 अप्रैल 1970 ईस्वी को 53वां पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आप लोग बता दिए 25 दिसंबर को क्या चीज़ हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। क्या चीज़? सुशासन दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या चीज़? जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और 16 अप्रैल को हम लोग पुलिस दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या चीज़? पुलिस दिवस हम लोग 16 अप्रैल को हम लोग पुलिस दिवस, 22 अप्रैल को जल दिवस, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, और 22 अप्रैल को क्या चीज़ हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन, हाल में ही चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम
होम की शुरुआत की है, कहाँ से जो है हाल फिलहाल में चुनाव आयोग जो है पहली बार वोट फ्रॉम होम, तो आप समझ नहीं रहे होंगे कि वोट फ्रॉम होम क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वोट फ्रॉम होम यह है तो है क्या चीज़, यानी कि वोट फ्रॉम होम जो है, वोट फ्रॉम होम यानी 80 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति, क्या चीज़, या दिव्यांग व्यक्ति को घर से ही वोट डालना होगा। यानी कि 80 वर्ष से जो अधिक व्यक्ति के लोग हैं और 80 वर्ष से अधिक के हैं या फिर दिव्यांग हैं, जाने में वो बूथ पर जो है जहां वोटिंग होती है वो बूथ पर जाने में असमर्थ है, वो जा नहीं पा रहा है, तो जो है कि वोट फ्रॉम होम यानी कि उसको जो वोटिंग होगी घर में ही वोटर आएंगे और घर में ही वोट जो वोट दिलवाते हैं वो घर पर ही आएंगे, कैमरा के साथ आएंगे, ऑन द कैमरा उनको वोट देना होगा। 80 से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को और जो दिव्यांग है, चलने में असमर्थ है, जाने में असमर्थ है, उनको घर पर ही वोट डालने के लिए चलाएगा। तो वोट फ्रॉम जो होम है इसकी शुरुआत कौन किया है, कर्नाटक सरकार ने की है। कौन सरकार ने की है, कर्नाटक। मोबाइल में जो एक ऐप है सुविधा प्रदान करने के लिए 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति वाले को, तो मोबाइल पर एक ऐप है सुविधा के लिए, उस ऐप का भी नाम है सुविधा पोर्टल। क्या चीज नाम है, सुविधा पोर्टल, पोर्टल यानी सुविधा पोर्टल के माध्यम से आप भी वोट डाल सकते हैं ऑन मोबाइल से ही। एक सुविधा पोर्टल जो है एप्लीकेशन है, उसी पर आप जाइए और हुआ से भी वोट डाल सकते हैं। ऑन द कैमरा आपको डालने होगी, यानी कि कैमरा के सामने आप वोट जो है डालिएगा। तो ये किसने की है, कर्नाटक सरकार ने की है। और कर्नाटक सरकार ने अभी बता लीजिए कि चुनाव आयुक्त कौन हैं? और कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देख लीजिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया जो है कांग्रेस के हैं। और इन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया, जो वोट फ्रॉम होम जो है कर्नाटक सरकार ने निकाली है, इसका एक एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो जिसका नाम है सुविधा पोर्टल। और अभी जो चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, इन्होंने ही घोषणा की है कि वोट फ्रॉम होम यानी कि दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक वाले व्यक्ति हैं जिनको घर पर से ही वोट डालनी होगी। नेक्स्ट देखते, यही वोट फ्रॉम होम यानी कि घर घर जा करके आप अधिक आयु वाले व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति को वोट डलवा सकते हैं। 2023 में फीफा अंडर 20 विश्व कप का की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा, मैं कुछ दिन पहले बताया था कि जो है इंडोनेशिया, इससे पहले जो है कि फीफा अंडर 20 जो फुटबॉल चल रही है इसका जो है मेजबानी इंडोनेशिया करने वाला था, लेकिन इंडोनेशिया से जो इसका मैनेजमेंट नहीं हो पाया, ये करने में असक्षम हुआ तो इसके बाद जो है हमारी इसके मेजबानी करने वाला जो देश है कौन देश है अर्जेंटीना किनके स्थान लिया है, तो इंडोनेशिया का स्थान जो है लिया है कौन, अर्जेंटीना है जो अंडर 20 फीफा अंडर 20 जो होगी विश्व कप
फीफा अंडर 20 जो विश्व कप होगी, फीफा अंडर 20 यानी फीफा अंडर 20 विश्व कप होगी, जिसका मेजबानी कौन करने वाला है? अर्जेंटीना। अब बात कर लेते हैं 2022 फीफा मेंस वर्ल्ड कप, फीफा मेंस वर्ल्ड कप विश्व कप वर्ल्ड कप कप कहाँ आयोजन किया गया था, आयोजन इसका कहाँ किया गया था, तो आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो जीता कौन टीम था वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उपविजेता कौन टीम था वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आयोजन जो हुआ था यह कतर में हुआ था और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड मेंस वर्ल्ड कप है उसका विजेता अर्जेंटीना था। कौन? अर्जेंटीना था, इसका विजेता था। और बता देते हैं उपविजेता फ्रांस है। उपविजेता कौन है? फ्रांस है। और अर्जेंटीना के कैप्टन जो थी, कैप्टन कौन था? लियोन मैसी जो है कैप्टन है। इसे गोल्डन बॉल अवार्ड भी दिया गया है। कौन अवार्ड? गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए गोल्डन बूट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, किसे दिया गया? गोल्डन बूट अवार्ड यानी कि 2022 में जो कतर में फुटबॉल विश्व कप हुआ है उसमें गोल्डन बूट अवार्ड कौन दिया है, तो इसको आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और बता दीजिए फीफा अंडर 17 जो विश्व कप हुई है वो कहाँ आयोजन हुआ है, तो फीफा यह भारत में हुआ है। इसमें स्पेन जीता है। उपविजेता कौन है? कोलंबिया है। और देख लीजिए गोल्डन बूट अवार्ड एम्बाप्पे ने लिया है। एम्बाप्पे जो है गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। तो अर्जेंटीना देख लीजिए, मैंने पूरा डिटेल यानी कि इंडोनेशिया इसका मेजबानी करने वाला था लेकिन इंडोनेशिया से इसका मैनेजमेंट नहीं पूरा हो पाया है, जिसके कारण यह जो मेजबानी यानी फीफा अंडर 20 की जो मेजबानी करने वाली हो अंडर कौन? अर्जेंटीना। और बात कर लेते हैं 2022 में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुई थी उसमें विजेता अर्जेंटीना थी और उपविजेता फ्रांस था। और फ्रांस और यू जो हम बात करते हैं कि जो अर्जेंटीना के कैप्टन हैं लियोन मैसी हैं, उन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और गोल्डन बूट अवार्ड जो ब्राज़ील के हैं एम्बाप्पे, उनको गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ है। और जीता कौन है? स्पेन। और उपविजेता कोलंबिया है। देख लीजिए यही फीफा अंडर 20 जो है अप्रैल 2023 ईस्वी में संत कोवा मानवतावादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो सोनम जो है बगुंचक को सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं संत कोवा मानवतावादी पुरस्कार। संत कोवा जो मानवतावादी पुरस्कार है इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है, यह किस लिए दिया जाता है? सामाजिक कार्यों के लिए। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना जो हुई है 2018 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 2018 ईस्वी में। अब सोच रहे होंगे कि संत कोवा मानवतावादी पुरस्कार में दिया क्या जाता है, तो इसमें एक करोड़ रुपया दिया जाता है और एक जो है पुरस्कार दिया जाता है। क्या चीज़?
पुरस्कार एक दिया जाता है, एक पुरस्कार दिया जाता है, तो 1 करोड़ रुपया और एक पुरस्कार दिया जाता है। तो संत कोवा मानवतावादी अधिकार, यानी कि कोई भी मानव समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं और उसमें वह निस्वार्थ भाव से, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है, और वो निस्वार्थ भाव से समाज के अगर जो सेवा किए हैं, मानवतावादी की सेवा किए हैं, मानवतावादी निभाए हैं, तो उनको जो है संत कोवा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है 2023 में, जो अब यह अप्रैल 2023 में सोनम बगुंचक को है सम्मानित किया गया है। और इसके सम्मान में सामाजिक कार्यों के लिए स्थापना जो है 2018 में हुआ, यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। क्या जी? यह प्रतिवर्ष दिया जाता है, यह जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है। और जो है इसमें पुरस्कार 1 करोड़ रुपया और एक जो है पुरस्कार यानी अवार्ड भी दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है 2018 ईस्वी से हुई। यही है सोनम बगुंचक जो समाज के लिए उत्कृष्ट करके। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बता दीजिए, आशा भोसले को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। अब लता दीनानाथ पुरस्कार क्या है? नाथ पुरस्कार, लता दीनानाथ पुरस्कार है। ये लता मंगेशकर हमारी जो स्वर कोकिला लता मंगेशकर के याद में दिया जाता है, लता मंगेशकर के याद में दिया जाता है लता मंगेशकर के याद में दिया जाता है। और लता मंगेशकर के बता दीजिए कि मृत्यु कब हुई है, लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई है? तो फरवरी, लता मंगेशकर की मृत्यु जो है फरवरी 2022 ईस्वी में हुआ। और ये जो लता दीनानाथ पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत जो है 2022 ईस्वी से हुई है। और सबसे पहला बार किसे दिया गया है? तो सबसे पहला बार इसको भी छाप लीजिएगा, सबसे पहला बार किसे दिया गया है? तो सबसे पहला बार नरेंद्र मोदी को दिया गया है, जो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी सबसे पहले उन्हें ही नरेंद्र मोदी पुरस्कार दिया गया है। और जो दूसरा बार पुरस्कार है, दूसरा बार किसे दिया गया है वो भी देख लीजिए। तो यानी दूसरा बार जो है 2023 ईस्वी में आशा भोसले को दिया गया है। किसे? आशा भोसले को दिया गया है। आशा भोसले को जो है यह पुरस्कार दूसरी बार दी गई है। किसे दी गई है? आशा भोसले को। यानी कि कोई इसमें भी कोई अगर जो समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किया करता है, यानी बढ़िया कार्य करता है, तो यह लता दीनानाथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, किया जाता है। तो लता मंगेशकर के याद में यह दिया जाता है, क्योंकि लता में इसमें क्या चीज़ दिया जाता है? तो एक लाख रुपया और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या चीज़? इसमें 1 लाख रुपया और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यही है आशा भोसले जी हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह Taifa-1 लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? केनिया जो है अपने अंतरिक्ष Taifa-1 लॉन्च किया है। क्या चीज़ किया है? Taifa-1 लॉन्च किया है। इसमें 9 रॉकेट लॉन्च किया है। कितना? 9 रॉकेट जो है लॉन्च किया है। यह रीयूजेबल है, यानी कि पृथ्वी को देख रेख करने के लिए केनिया जो है Taifa-1 रॉकेट लॉन्च किए है। इसमें इसके साथ एक ही साथ यह 9 रॉकेट जो है इसका लॉन्च किया था। और यह रीयूजेबल है। रीयूजेबल मतलब इसको दोबारा से हम, यह जो रॉकेट है इसको हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो ये Taifa-1 कौन लॉन्च किया है? केनिया लॉन्च किया है। यह देख लीजिए, Taifa जो है रॉकेट इसका लॉन्च करते हैं केनिया।
हाल ही में थावे महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यानी बिहार के जितने भी एग्जाम होगी उसमें यह पूछ देगा, यानी कि बिहार पुलिस का एग्जाम हो या बिहार दरोगा का एग्जाम हो, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली है। तो आप लोग भी ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि हाल ही में थावे महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो बिहार में किया जाता है। यानी कि बिहार में जो है थावे महोत्सव, बिहार में जो है थावे महोत्सव का आयोजन किया जाता है, महोत्सव। तो बिहार के किस जिला में थावे महोत्सव आयोजन किया जाता है, तो जिला के नाम बता दीजिए, किस जिला में जो है थावे महोत्सव आयोजन किया जा रहा है, तो कहाँ, गोपालगंज में। कहाँ, गोपालगंज में, गोपालगंज में किया जा रहा है। यह कब किया गया है, तो कब किया गया है, 15 और 16 अप्रैल को जो है, 15 और 16 अप्रैल को जो है थावे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। थावे कौन देवी हैं, थावे आप लोग नहीं समझ रहे हो कि थावे में कौन भगवान है, तो यह दुर्गा देवी हैं। कौन है, दुर्गा देवी हैं। दुर्गा देवी की मूर्ति की पूजा की जाती है और दुर्गा देवी की मूर्ति के अवसर पर हम लोग थावे महोत्सव का आयोजन करते हैं और हम लोग थावे महोत्सव मना रहे हैं। कौन सा महोत्सव मना रहे हैं, थावे महोत्सव जो हम लोग हैं वो मना रहे हैं। और यह जो है, यह महोत्सव पर्यटन मंत्री के द्वारा आयोजन किया गया है। किनके द्वारा आयोजन किया गया है, पर्यटन मंत्री के द्वारा जो है यह आयोजन किया गया है। किसके द्वारा आयोजन किया गया है, पर्यटन मंत्री के द्वारा आयोजन किया गया है। और पर्यटन मंत्री आप लोग बता दीजिए कि पर्यटन मंत्री कौन है, तो पर्यटन मंत्री कौन है ये भी बता दीजिए, प्रहलाद सिंह पटेल जो है पर्यटन मंत्री हैं। कौन मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं। और इन्हीं के द्वारा जो है थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज जिला में 15 से 16 अप्रैल को आयोजित किया गया है और पर्यटन को विशेष बढ़ावा देने के लिए कि हमारे भी राज्य में आकर के घूरिए और यहाँ का आनंद उठाइए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह थावे महोत्सव 15 से 16 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह देखिए थावे महोत्सव मनाते हुए और थावे महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम जो चल रहा है, यह देखिए थावे महोत्सव 2023। देख लीजिए, किस देश ने अपनी सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया है, तो जर्मनी जो है अपनी सभी न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है उसको बंद कर दिया गया है, क्यों बंद कर दिया है न्यूक्लियर पावर प्लांट को, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पावर प्लांट को किस लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि जर्मनी जो है वो जानता है कि अगर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसकी अगर जो हम लोग बढ़ावा देते हैं तो इससे क्या होगी कि पृथ्वी की जो है उर्वरता शक्ति कम हो जाएगी और नॉइस पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन जो होगा नॉइस पॉल्यूशन भी आसपास के जो रहने वाले क्षेत्र हैं, तो बड़े बड़े जो हैं मशीन चलते हैं तो नॉइस पॉल्यूशन तो होती है और उससे जो धुआं निकलती है तो उससे एयर पॉल्यूशन होती है और उसका जो राख बच जाता है, उसका जो वेस्ट मटेरियल जिसको कहते हैं बेकार की जो वस्तुएँ बच जाती है उसको अगर जो कहीं हम लोग बेचते हैं तो वह भूमि जो है बंजर बन जाती है। इसी को देखते हुए जर्मनी जो है कि न्यूक्लियर पावर समाप्त कर दिया है और इसमें यहाँ जो जर्मनी में एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है और यह पूरी तरह से जो है अपनी पूरी पावर प्लांट को समाप्त कर दिए। यानी सबसे, फिर हम लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किसके पास है, सबसे अधिक न्यूक्लियर पावर प्लांट किसके पास है, न्यूक्लियर पावर प्लांट किसके पास है, सबसे अधिक तो हम लोग कहेंगे कि अमेरिका के पास है। किसके पास है, अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास जो है 96 पावर प्लांट है, जबकि हम लोग भारत की बात कर लेते हैं तो भारत के पास मात्र 22 गो पावर प्लांट है। हमारा पड़ोसी दोस्त जो चीन है उसकी अगर जो बात कर लेते हैं तो चीन में 50 पावर प्लांट है। अब पाकिस्तान के बात कर लेते हैं तो पाकिस्तानी के पास खाए के तो भोजने नहीं है, ये क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना, लेकिन हुआ भी 2-3 पावर प्लांट पाकिस्तान में भी है। तो देख लीजिए, इसी को हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं, यानी कि जो
यह इतना इस प्रकार से जो है धुआं धुआं निकल रही है पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो बिजली उत्पादन करने की जो है तो इसी प्रकार से जो हमारी करेंट अफेयर्स की क्लास चल रही है आपकी अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार की पर, तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे साथ बने रहिए रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हम रोज़ नए नए चीज़ को, नए नए जो अभी जो लॉन्च होती है, सैटेलाइट होती है, अयोध्या अभ्यास हो गया, या किसी भी प्रकार की नए जो महोत्सव मनाई जाती है और जो जनगणना जनसंख्या के बारे में, उसके बारे में मैंने भी फुल डिटेल बता दिया हूँ आप लोगों को। तो इसी के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ, फिर अगले दिन मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। धन्यवाद।